नमस्कार, मैं आपका दोस्त अर्पित दुबे। आज आप लोगों के लिए एक छोटी सी ट्रिक लेकर के आया हूँ यूपी टेट की, बाल विकास की। अक्सर आपने देखा होगा एक प्रश्न आता है जिसमें दिया जाता है कि अधिकतम निषेधता ये बीमारी किसके द्वारा होती है, इस बीमारी किसके द्वारा होती है, पठन विकार क्यों होता, पठन विकार किस बीमारी का नाम दिया गया है। तो अक्सर कन्फ्यूजन होती है दिमाग में कि किसका कौन सा आंसर होगा। तो यहाँ पर एक छोटी सी मिनट की आप लोगों के लिए बनाई है जो आपको एग्जाम में मदद कर सकती है। इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं कि इसको कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि मफलर पल पर लगाओ। सर्दी का समय है, मफलर लगाना चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है मफलर पल पर लगाओ, ठीक है। तो इसको कैसे सेट करेंगे, तो हमने ये बताया है कि मफलर तो मासिक मौखिक विकार हो गया, फा आपका दिया गया फा से फैंचिया हो गया। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि मौखिक विकार के कारण यहाँ पर दिया गया है और आपको लेक्सिया भी लिखा होता, कैलकुलिया भी लिखा होता, फेजिया भी लिखा होता, ग्राफिया भी, तो कंफ्यूजन हो जाती है। तो अब आपके दिमाग में हमेशा रहेगा कि मफलर तो माँ से मौखिक और फा से फेजिया। इसी प्रकार हमने लिखा है पल पल लगाओ, तो यहाँ पर हो गया पा से हो गया आपका पठन विकार और ला से हो गया लेक्सिया, तो कंफ्यूजन होनी ही नहीं है। पल पल पा से पठन, ला से लेक्सिया। इसके बाद हमने यहाँ पर बताया हुआ है कि लगाओ तो ला से लेखन विकार और गा से ग्राफिया, तो देखो तो कंफ्यूजन नहीं होगी बिल्कुल। मफ तो मा से मौखिक फा से लेक्सिया, पल पल पा से पठन गा से लेक्सिया, लगाओ ला से लेखन गा से ग्राफिया। उसके सबसे आसान है ये गणितीय विकार, अगर आए तो गणितीय विकार में गणित के विकारों में क्या है, गणित में करते हैं कैलकुलेशन, अगर वहां पर कैलकुलिया शब्द लेकर के आ जाए तो वो आपका होता है गणितीय विकार, ठीक है। एक बार इस चीज को फिर देख लेते हैं, मफलर पल पल लगाओ, माँ से मौखिक पासे पेजिया, पल पल पासे पठन लासे लेक्सिया, लगाओ लासे लेखन लासे ग्राफिया, और जितने भी गणितीय विकार होंगे वो कैलकुलस से संबंधित होंगे अर्थात कैलकुलिया। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा।